किसी ने बड़ी ही खूबसूरत बात कही है, दीपक अंधेरे में जला करते हैं, फूल तो कांटों में भी खिला करते हैं, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, हीरे अक्सर कोयले में ही मिला करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निशांत और आप देख रहे हैं पॉकेट ट्यूब। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप हमारा कोई भी मोटिवेशनल वीडियो मिस ना करें। एक बार एक जाने माने वक्ता अपने हाथों में 2000 रुपए का नोट लिए एक सेमिनार हॉल में प्रवेश करते हैं। उस सेमिनार हॉल में लगभग 500 लोग बैठे हुए थे। उन्होंने 2000 रुपए का नोट सभी को दिखाते हुए पूछा, कौन कौन इस 2000 के नोट को लेने की इच्छा रखता है। हॉल में मौजूद लगभग सभी लोगों के हाथ खड़े हुए। उन्होंने कहा, मैं आप ही लोगों में से किसी एक को ये 2000 रुपए का नोट देने वाला हूँ, लेकिन पहले आप मुझे ये कर लेने दीजिए। और ये कहकर उन्होंने नोट को तोड़ मरोड़ दिया। उसके बाद उन्होंने पूछा, इसे अब भी कौन लेना चाहता है। अब भी लगभग सभी हाथ खड़े थे। ठीक है, उन्होंने कहा, क्या होगा अगर मैं ये करूं। और ये कहकर उन्होंने 2000 के नोट को फर्श पर गिरा दिया और उसे अपने जूते से रगड़ने लगे। कुछ देर बाद उन्होंने उसे दोबारा हाथ में लिया, लेकिन अब वो नोट पूरी तरह से तोड़ा मरोड़ा और गंदा हो गया था। फिर उन्होंने लोगों से पूछा, इसे अब भी कौन लेना चाहता है। इस बार भी लगभग सभी हाथ खड़े थे। फिर उन्होंने लोगों से कहा, मेरे प्यारे दोस्तों, आज आप सभी ने एक बहुत ही बहुमूल्य चीज सीखी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं इस नोट के साथ क्या करूं, आप इसे अब भी लेना चाहते हैं क्योंकि इससे अब भी इसका मूल्य नहीं घटा, यह अब भी 2000 रुपए का ही है। दोस्तों, यही चीज हम सभी के साथ भी होती है। कई बार हम अपने जीवन में गिरते हैं, कठिनाइयों से लड़ते लड़ते थक जाते हैं, अपने गलत डिसीजंस के कारण भारी मुसीबत का सामना करते हैं। इन सभी परिस्थितियों से जूझकर हम अपने आप को मूल्यहीन और बेकार समझने लगते हैं, लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं है कि हमारे जीवन में क्या हो चुका है और भविष्य में क्या होगा। आप अपना महत्व कभी नहीं खो सकते। दोस्तों, आप खास है, इसे आप कभी ना भूलें। धन्यवाद। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसी ही अगली कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे।